ये देख रहे हैं आप, अभी इन्होंने डाला है भूसा और कैसे आग दहक उठी है। शदीद किस्म की टेम्परेचर है इस वक्त, बहुत अच्छा मौसम है लड़काना का, लेकिन यहाँ पे खड़ा होना जो है ना वो मेरे लिए इंतहाई मुश्किल हुआ हुआ है। बहुत तेज़ भट्टे में गर्मी है। इन लोगों को सबको सलाम भाई, आप लोगों को बहुत मेहनत वाला मजदूरी कर रहे हैं, पैसे हलाल कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी रोजी में बरकत दे। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़बरदस्त सी आपको ये वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूँ। जब हम इंटीरियर सिंध और इन तरफ आते हैं पंजाब साइड, इंटीरियर साइड, तो आपने अक्सर देखा होगा एक चिमनी निकली होती है और वहाँ से धुआं निकल रहा होता है। तो ये देखें ये चिमनी, ये क्या है मैं आज बताता हूँ आपको। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये बेसिकली भट्टा है, ईंटों का भट्टा, और यहाँ पर ईंटें बनाई जाती है, लाल ईंटें टिपिकली। मैं लाड़काना से जस्ट पहले हूँ, कुछ 5-6 किलोमीटर पहले हूँ, और यहाँ पे हमें एक भट्टा मिल गया, बहुत बड़ा भट्टा है, और इसे कहते हैं हसनैन ब्रिक्स कंपनी नाम है इसका। तो यहाँ के जो हैं भाई सुपरवाइज़र और यहाँ के सर काम करने वाले बंदे मेरे साथ हैं, इन्होंने हमारी सपोर्ट की है। भाईजान क्या हाल है आपका, खैरियत से? क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। आपका नाम क्या? नसरुल्लाह। भाई ये दोनों बंदे हैं और ये हमें पूरा इस भट्टे का विज़िट कराएंगे, बताएंगे कहाँ से शुरू होता है, माल कहाँ से आता है, क्या प्रोसेस है, और फिर फाइनल प्रोडक्ट किस तरह से निकलता है। तो साइन शुरू करें फिर जी। कहाँ सबसे पहले आप क्या दिखा रहे हैं हमें? हम जो ये ईंट निकालते हैं कच्ची, वो दिखा रहे हैं हम। आज देखते हैं वो जो है पकाते हैं हम ईंटें, मैं खुद मिस्त्री हूँ। सही जी, चिमनी का सही। हाँ वो सारे दिखाएंगे तुमको। चलो शुरू, ठीक है। अच्छा, मैंने बड़े हम्बली इनसे रिक्वेस्ट की और इन्होंने बिल्कुल मुझे कहा कि जो इनके जो ओनर हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा जी अचो आ जाओ, और बड़े वार्म वेलकम करके हमें जो है ना इन्होंने वेलकम किया। मेरे पीछे आपको दिख रही होंगी ये ईंटें, दिख रही होंगी ये अभी कच्ची ईंटें। इस कच्ची ईंटों से पहले जो ये मट्टी यूज़ करते हैं वो दिखाऊँगा। ये भूसा देखे सारा है, ये इनका फ्यूल है जो ये इस भट्टी में डालते हैं, तब ये पक रही होती है धुआँ निकलने के लिए, जब उसको गर्माइश देनी होती है वो ये यूज़ करते हैं। और ये मेरे दोस्त रोशन लगे हुए हैं ड्रोन शॉट लेने के लिए। ये देखें इन्होंने ये तैयार किया हुआ है माल, ये कच्चा माल है, अभी ये एक मड है। हाँ चलो जी, ये हमें एक सैंपल जो है ना तैयार करके दिखा रहे हैं। पहले ये डालते हैं ये डाया इनका, एक मिनट रुके, पहले डाया दिखाएं मुझे ना, अंदर से डाया दिखाएं। हाँ ये डाया, इसके अंदर इनका कोड लगा हुआ है, ये 222 है या 555 है, ये कोड लगा हुआ है। अब ये इसमें पहले सूखी मिट्टी डालते हैं। हाँ ये देखो सूखी मिट्टी डाली, इसको इन्होंने हिलाया ताकि इसके अंदर कोई भी नमी या कोई भी चीज़ है वो हट जाए। फिर जो ये इन्होंने क्ले तैयार की हुई है, अब ये थोड़ी सी ड्राई इन्होंने ली है वो क्ले, और इस पे इन्होंने ये जो ड्राई क्ले के साथ कुछ जो इनकी जो वो चिकनी मिट्टी है, ये चिकनी मिट्टी है ना उस्ताद? जी जी हाँ, ये चिकनी मिट्टी लेके इस डाई के अंदर इन्होंने डाल दी और ऐसे इन्होंने इसको वो कर लिया। अच्छा, इसके बाद इसको जो है इसको आपने रखना होता है या ये ऐसी कल्टी करते हैं? कल्टी करना है। बस ये एक बनी है ना, इसको बस कल्टी करो, इसको कल्टी करो, पीछे देख के वो बनी है, ये कल्टी करेंगे अब यहाँ पे। यस, ये देखें ये इन्होंने बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा बनाई है, ये कुछ देर पहले बनाई होगी। ये कितनी देर पहले बनाई है? ये कल की है। ये कल की बनी हुई है, ये सब सूखता है इस वजह से टाइम लगता है ना इसमें। जी, जी, इसको भट्टे में डालने से पहले सुखाना पड़ता है। हाँ, सुखाना पड़ता है। कितने दिन, कितने दिन? तकरीबन 3 दिन। 3 से 4 दिन ये सूखता है, उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? वो डालते हैं चिमनी में अंदर, इस पे जो है ना खोते उठाते हैं, इसको खोते उठाते हैं और वो फिर वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ लेके जाते, सही है। अच्छा, ये यहाँ से जो है ना ये सारा माल जो है ना ये गधों के ऊपर जो है ना गधों के ऊपर लादते हैं और फिर ये रास्ता बना है,
जी जी ये रास्ता है, चले आगे चले। अब ये क्योंकि मैंने आपको बताया ना बहुत बड़े साइज की चिमनी है उस्ताद, एक टाइम में कितनी यहाँ पे ईंटें लगती हैं? 30,000 ईंटें एक टाइम पे एट अ टाइम यहाँ पे लगती हैं। तो ये इस तरह से ये भट्टा है, इसके अंदर जाते हैं, चिमनी बो रहा ऊपर, ठीक है। यहाँ से ये दरवाजे हैं, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5 दरवाजे हैं ना जी जी, ये 5 दरवाजे। अच्छा उधर भी दरवाजे हैं? हाँ उधर भी। अच्छा जैसे इस तरफ दरवाजे हैं वैसे ही उस तरफ भी इसके दरवाजे हैं, और ये बीच में जबरदस्त शॉट देख रहे हैं आप, क्या खूबसूरत स्मोक निकल रही है। अच्छा भाई पहले जो है इसका डोरी लगता है, जो वहाँ से जो ईंट आई है वो से लग गया डोरी साहब। सही ये डोरी से क्या होता है ये, फिर इसको शुरू करेंगे ना काम को। अच्छा सही सही है, डोरी अलाइनमेंट अलाइनमेंट कर रहे हैं ना। हाँ ये इसका फिर जो है ना। इधर से सही 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 ऐसे लगाते हैं, ठीक है। सही है सही है सही है सही है, ये अरेंजमेंट इस तरह से होता है इसका। हाँ ये इसका सारा होता है। सही सही, ये आपने तैयार करके रखा हुआ है, तैयार किया है ये सारी जो है ना, उन्होंने भट्टा तैयार किया हुआ है, वो तो उन्होंने हमें सैंपल दिखाने के लिए बताया था। ये इनके जो है ना सैंपल तैयार है, आज जुमे का दिन है इसलिए हम जो है फारक है। अच्छा 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 अच्छा, एक दिन छुट्टी होता है हफ्ते में, 6 दिन काम पर होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ आपको हम पक्का दिखाए जिधर से वो माल पकता है। अरेंजमेंट आपने देख लिया, ये इस तरह से करते हैं भट्टे के अंदर, उसके बाद ये अब जहाँ पकाते हैं, अब ये तो जगह यहाँ पे बाद में बारी आएगी ना, सीक्वेंस चलाना होता है इन्होंने, तो हमें ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी गर्माइश दी जा रही है, ये यहाँ पे इस जो ये जो ईंटें लगी हैं इनको कब गर्मी देंगे? ये इसको हफ्ता लग जाएंगे, एक हफ्ता लग जाएगा। ये पूरा इनका जो साइकिल है ना उसमें डेली इतनी प्रोडक्शन हो रही होती है कि कुछ एरिया में 30,000 फिर 20,000 कहीं इस तरह से नंबर्स के अंदर डिवाइडेड होती हैं। अच्छा ये देखें, ये पूरी चिमनी के अंदर है हम इस वक्त ना, भट्टे के अंदर है। चले जी हम जहाँ पे, ये आ गए, ये पक चुकी हैं, ये पक चुकी हैं, कल ये निकलेंगे, ये कल निकलेंगी, ये जो है ये अभी पक गया है, ये पक गई है। अब इसको सुखाने का तो नहीं है? नहीं नहीं इसको ये पक गया है, कमरे में लग सकता है, अब लग सकती है, रेडी हो गई है, इसको धूप नहीं लगानी, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, अब ये पका है, सीमेंट इसको लगेगा, ये कमरे बन ये जोड़ पकड़ लेगी। ये अभी स्पेशल से रहे। तो ये अभी कितनी तैयार हुई है? अब 50,000 खन तैयार है, कल ये सारा निकलेगा, सारे निकलेगा, फिर वहाँ पे जो आप लगा रहे हो जी जी वहाँ जाओगे। ओ ये यहाँ से गर्माइश आ रही है नीचे से। अच्छा इसके अंदर आग इसके अंदर लगती है? नहीं नहीं आग उधर, इसमें क्या डालते हैं? इसमें ये धुआं निकलता है। अच्छा अच्छा वेंटिलेशन है इसकी, ये कल सारा निकलेगा। अच्छा ये इसका टक है, ये देखें ये जो 30,000 है ना वो इसके नीचे है। हाँ ये सारा निकलेगा इसके नीचे, अभी आपको दिख रही होंगी थोड़ी थोड़ी, और ये हटा रहे जो इन्होंने आग लगा के रखी है 2-3 दिन के बाद, बहुत तेज़ गर्माइश यहाँ से निकल रही है, ये सब इसकी मिट्टी को हटा रहे और नीचे से ईंटें निकाल रहे। ये क्या है? हम जो आ गए इसमें अंदर। अच्छा तो हम ईंट पकाते हैं। ओए होए 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 होए, क्या हीट आ रही है यहाँ से, तबाही हीट आ रही है, तबाही हीट, उफ वो ईंटें पक रही हैं, ईंटें पक रही हैं, जबरदस्त जबरदस्त। आगे वाला भी खोलो। हाँ ये काम चल रहा है। हाँ बताएं बताएं। ये यहाँ का इनसे ये चल रहा है, ईंट यहाँ से पच रहे हैं। हाँ इनके अंदर ये आग है,
इसमें जो भी बंदा आ जाए, कोई सामान चला जाए, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ये बड़े मजदूर बंदे हैं, ये बड़े दिलेरी से काम कर रहे हैं। ये मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल है। मौसम ठंडा है अभी और यहाँ खड़ा होना मुश्किल, मौसम अभी काफी ठंडा है। ये तो बड़े अच्छे मौसम में 50 से ऊपर जा रहा है, इसको क्या कहते हैं टेम्परेचर, ये उसमें बेचारे काम करते हैं। ये मसाला आ रहा है, ये इसके अंदर डलता है। अभी अभी ये अच्छी चीज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, इधर आ सकता हूँ मैं। अब ये जो है ना, ये लाए हैं सारा जो भूसा है ना, ये भूसा इसमें डालने के लिए लाए हैं। आहिस्ता आहिस्ता, ये भूसा देखें उसमें डाल दिया इन्होंने। हाँ, ये भूसा है जो इसको जलाता रहेगा और ये इस तरह से नीचे जा रहा है। जबरदस्त मट्टी, हाँ, शदीद गर्मी है और मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, दिखने में मुश्किल काम है। ये देखें, मैं नज़दीक जाना चाह रहा था। देखिए अब ये फ्यूल डाल लें तो आग कैसे दहक रही है। चाबी ये खोले परे परे परे। आवा, इनकी मोहब्बत देखो, हमें जो एक कावा पिला रहे हैं ना, वो भी किसी जो है आग पे बन रहा है। माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस, जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ का। और ये लोग भी बड़े अच्छे थे जिन्होंने हमारे जो है पूरे इस ब्लॉग में इसको, जिन्होंने जिनकी वजह से ये हुआ, मजदूर भी और इनके जो है जो ओनर हैं यहाँ के, वो भी बड़े अच्छे थे। इखलाक के भी सारे बड़े अच्छे थे, बड़ा मज़ा आया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी, तो भाई को सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।